वेलकम बैक टू गीन। और आज हम बनाने वाले हैं बीफ कढ़ाई। और इसको किस तरीके से बनाना है आप सबको मैं बताती हूँ। आज सबसे पहले जो है हमें चाहिए 1 kg जो है वो बीफ चाहिए, फ्रेश चाहिए। मुझे फ्रेश चाहिए था इसलिए मैंने फ्रेश लिया। और इसको जो है 1 सेकंड के लिए मैंने स्टीम किया है। आप चाहें तो गैस कुकर पे भी कर सकते हैं, नहीं तो कढ़ाई के अंदर ही जो आप इसे 1 सेकंड के लिए कवर अप कर दे तो ये स्टीम अप हो जाएगी। इसका कलर अपीयरेंस चेक कीजिए कितनी जो है उसकी चेंज आई है। ये देखिए रेड रेड था थोड़ा सा स्टीम के बाद, अब उसका कलर देखिए साइड से, ये जो है थोड़ा सा उसका कलर जो है येलिश शेड दे रहा है। इसका मतलब है कि इसकी स्टीम जो है वो मुकम्मल हो चुकी है। ज्यादा स्टीम नहीं करना है, 1 आध मिनट के लिए स्टीम करना है आपने, ठीक है। ओवन के अंदर बिल्कुल स्टीम नहीं होता है, आप गैस कुकर पर या जो है अपने बीकर्स जो होते हैं बीकर्स के अंदर स्टीम कीजिए। ये देखिए हमने जो कढ़ाई के अंदर रख दिया है। अगर आप चाहते हैं स्टीम करना तो कीजिए, अगर नहीं तो आपकी मर्जी है, वैसे भी बन सकती है। आपने सबसे पहले बीफ लेना है 1 kg, उसके अंदर जो है आपने प्याज चॉप किया हुआ डालना है। आपने बिल्कुल भी उसका जो मिक्सचर होता है वो नहीं लेना, और साथ में जो है वो लहसुन लेना है। ये देखिए हम डाल दें, इसकी रीजन बताऊंगी कि हमने ये क्यों इस तरह लिया है, ठीक है। आपने ये लेना है, 1 kg था हमारा बीफ, तो उसके हिसाब से आपने 5-6 जो है वो नॉर्मल साइज के ऑनियंस काट कर लेने हैं, और साथ में जो है वो अपने टेस्ट के हिसाब से जो है वो लहसुन ले लेना है। उसके बाद जो है हमने 1 ग्लास जो होता है बड़ा वो पानी का ऐड करना है, जो क्यूबिक ग्लास होता है वो उसकी बात कर रही हूँ, वो आपने लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने लहसुन और अदरक का, सॉरी लहसुन और ग्रीन मिर्च का, और साथ में अदरक का मैंने ऑलरेडी एक पेस्ट बनाया है। ये देखिए ज़्यादा आपने इसका मिक्सचर पेस्ट नहीं बनाना, उसका रफली सा कट करके आपने ये देखिए लहसुन अदरक का और ग्रीन चिलीज का, 8 नॉर्मल साइज की ग्रीन चिलीज का पेस्ट बनाया मैंने ब्लेंडर के अंदर। ज़्यादा ब्लेंड नहीं करना क्योंकि इसका क्रंचीपन जो होता है बीफ कढ़ाई का बेसिकली वो नहीं आता। इसके बाद हमने इसके अंदर ऐड करना है 1 टेबल स्पून जो है वो सुर्ख मिर्च, जिसे हम रेड चिली पाउडर कहते हैं, वो ऐड करना है, ठीक है। और जो है 1 टेबल स्पून जो है वो हमने ऐड करना है टर्मरिक पाउडर, यानी कि हल्दी, बड़ा बड़ा टेबल स्पून जो होता है वो ऐड करना है। और अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट आपने जो है वो साल्ट ऐड करना है इसके अंदर। मैं आपको बताती हूँ हर रेसिपी के अंदर कि मैं जो हूँ वो नमक बहुत कम यूज करती हूँ अपने खानों में, मुझे जो है वो उसकी कम क्वांटिटी अच्छी लगती है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं अपने बैलेंस के हिसाब से जितना पसंद करते हैं उस हिसाब से डालिए, क्योंकि कढ़ाई के अंदर काफ़ी ज़्यादा टमाटर के साथ बुनाई होती है, तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि इसे आप कवर अप कर दें तकरीबन जब तक ये गलता नहीं है। आप चेक भी कर सकते हैं, मैं इसे जो है 15 मिनट के लिए इसे कवर कर दूंगी, उसके बाद बताऊंगी कि आपने क्या करना है। फिर इसे मैं जो अच्छे तरीके से ला के बताती हूँ आपको। ये देखिए स्टीमर का एक फायदा ये होता है कि वो जो गोश्त है आपका, हाँ वो चिकन हो बीफ हो मटन हो, उसकी जो शेप और उसका जो कलर होता है कढ़ाई के अंदर वो बैलेंस रहता है, और हमें वो ही मिलता है जो हम चाहते हैं। ये देखिए उसका कलर यही रहा, ठीक है। वो रेड रेड सा ब्लडी टाइप सा जो है वो कढ़ाई के अंदर, बीफ कढ़ाई के अंदर अच्छा नहीं लगता। हम इसे कवर कर देंगे ये देखिए ढक्कन के साथ। ये देखिए गाइस हमने जो इसे कवर कर दिया, अच्छी तरीके से इसको कवर करना है ताकि इसकी जो स्टीम है वो पिकअप रहे। ये देखिए इसका मतलब ये होता है, ठीक है। हमने इसे कवर कर दिया है, 15-20 मिनट के बाद आप इसे चेक कर लें, नहीं तो आप 10 मिनट के बाद भी चेक कर सकते हैं। मे बी वो स्टीमर के लिए अप्लाई है कि वो जल्दी गल जाए, आप चेक कर लीजिएगा। ये देखिए हमारी जो है बीफ मटन कढ़ाई जो है वो रेडी हो रही है। तकरीबन सारा पानी जो है वो ऑलरेडी खुश्क हो चुका है। अब हमने जो है वो इसके अंदर ऑयल डालना है, ये घी जो भी आप यूज़ करते हैं वो डालें। इसको अच्छे तरीके से टमाटर ऐड करते हुए इसकी बुनाई करें, क्योंकि कढ़ाई की सबसे मेन ट्रिक यही होती है कि आप जो है वो टमाटर ऐड करते हुए उसे भूने कढ़ाई को, फिर जो इसका टेस्ट आता है। ये देखिए तकरीबन 1 से 2 मिनट बाद जो है हम इसे टमाटर डालेंगे इसके अंदर, इसकी बुनाई करेंगे 5 से 6 मिनट तक। ये देखिए अब जो है वो हमने कहा था कि 1-2 मिनट बाद हम इसे रेडी करेंगे ऑयलिंग के लिए यानी बुनाई के लिए। इसके अंदर हम आइफा टमाटर डालें, टमाटर जो है वो हमने ऐड कर दिए हैं चॉप किए हुए नॉर्मल साइज़ के 3 से 4 अदद। और इसके अंदर अब हम ऐड करने वाले हैं ऑयल या घी, जो भी मैं बता रही हूँ कि आप यूज़ करते हैं वो डालें, ठीक है।
जितनी अच्छी इसकी बनाई होगी उस हिसाब से जो कढ़ाई का टेस्ट आएगा। अक्सर जो है वो लोग जो है वो जो कमेंट करते हैं कि हमारी जो कढ़ाई उस हिसाब से नहीं बनी, जितनी अच्छी आप बुनाई करेंगे उतनी अच्छी जो आपकी कढ़ाई बनेगी। आपका ये याद रखिए कि आपके जो गोश्त के पीसीज हैं, खा वो चिकन हो, बीफ हो, मटन हो, वो टूटे नहीं, एकदम जो है वो अपनी रियल शेप में हो, ये देखिए ऐसे हो। आपने जो है टमाटर को मर्जिंग करते हुए इसकी अच्छे तरीके से बनाई करनी है। तकरीबन से 5 से 6 मिनट या 4 से 5 मिनट लगेंगे इसे। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे पमकीना और इसको जो है वो सर्विंग के लिए डिश आउट करेंगे। अब टमाटर ऐड किए हुए हमें जो है वो तकरीबन 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे मेहरान या शान का जो भी आपके पास अवेलेबल हो, वो जो कोरमा मसाला आप डालेंगे तो इसका फ्लेवर जो है थोड़ा सा चेंज आएगा। हर चीज़ जो है बैलेंस में डाली, ये नहीं कि एक चीज़ को आप एक्स्ट्रा ही डाल दें कि इससे टेस्ट जो है बहुत अच्छा आएगा, नहीं। आपने जो मेहरान का 1 टेबल स्पून जो है वो नॉर्मल साइज़ का डाला है इसके अंदर कढ़ाई, और इसकी जो है बनाई स्टार्ट कर दी है हमने, ठीक है। ये तकरीबन 4 से 5 मिनट के अंदर रेडी हो जाएगी टोटल कढ़ाई हमारी, उसे डिश आउट करेंगे सर्विंग के लिए, तो तब आपको दिखाएंगे, ठीक है। टमाटर के साथ अच्छे तरीके से आप भूनते जाएं। कढ़ाई के अंदर जो है वो अक्सर चिकन जो है वो नीचे लग जाती है, आप इसे कॉन्स्टेंटली लेकिन जो है वो रेगुलर बेसिस पे आप इसे खिलाते जाएं चम्मच के अंदर, वरना ये नीचे लग जाएगी, आपकी कढ़ाई का टेस्ट ख़राब हो जाएगा। ये देखिए हमारा जो है वो बीफ कढ़ाई जो है हम रेडी कर रहे थे वो तैयार हो रही है, अपनी स्टेज पे आ रही है, यानी कि आप ये कह सकते हैं। और नीचे से जो आंच है वो आपकी लाइट बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, तेज़ आंच होनी चाहिए, वरना इसके अंदर जो घी है वो सारा मर्ज हो जाएगा, बाहर नहीं आएगा। ये देखिए अब बुनाई के बाद जो है इसकी शेप जो है वो इस तरीके की हो गई है। इसके ऊपर हम अब ऐड करेंगे फ्रेश कोरिएंडर यानी कि धनिया ऐड करेंगे, ठीक है। अगर आपकी चॉइस है तो आप जो है वो अदरक भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं इसके अंदर जो है वो धनिया और जो है वो कूमन यानी कि ज़ीरा ऐड करने वाली हूँ। अब ये देखिए मैं स्प्रिंकल कर रही हूँ इसके ऊपर जो है वो ज़ीरा। अगर आपको मेरी ये बीफ कढ़ाई अच्छी लगी है तो आप इसे प्लीज़ ट्राई कीजिए, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आपको जो है वो किस तरीके से आपसे बनी है और मेरी जो बीफ कढ़ाई है वो आपको किस तरीके की लगी है। प्लीज़ जो है मुझे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी नई आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक पहुँच सके। इसका आप क्लोजअप शॉट लीजिए और देखिए कि किस तरीके की आप ये बनी है। प्लीज़ अगर आपको अच्छी लगती है तो मैं आपको दोबारा कह रही हूँ कि मुझे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।